तो चलो फ्रेंड्स, अज बनाने आप बर्फी जो कि मैं मिल्क पाउडर चौलों के नाल बनाई है। ये सब तो पहले तो आप मिल्क पाउडर ले लिया एक कप भर के, अद्धा कप ले लिया जी चीनी का, तो डेढ़ कप मैं नॉर्मल जो दुध हों ले लिया जी। तुम चाहो तो घट वध भी पा सकते हो। तो अद्धा चम्मच ये पा देना जी इलायची पाउडर है, ये पा दिता है। तो हम इन चीज़ों आप थोड़ा जहा कर लेना मिक्स ता कुठलियां हो। ये दो कप जी मैं उबले हुए चौल पा दिते आ। तो चौलों पाने तो बाद आप इन्हें सारे चीज़ों कर लेना मिक्स। तो हले मैं ये फ्लेम ऑन नहीं सी की, गैस नहीं ऑन किया। इन्होंने सारे चीज़ें मिक्स करने तो बाद मैं हम गैस ऑन कर दिता है। तो हम आप ये पा देना जी एक चम्मच देसी घ्यो। तो हम इसमें भी आप चंगी तरह मिक्स कर लेना। तो इन्हू हम लगातार लगाते हुए आप पकाना है जो तक कि यह चंगी तरह जिदा बर्फी की शेप बेच नहीं आता, जो सूँ पता लगे कि जम सकती है, बर्फी बन सकती है। उन्नी देर तक आप इन पकाना है लगातार हिलाते हुए ताकि ये थले ना लगे। जे थले लग गया फिर सारा टेस्ट खराब हो जाता जी। तो बहुत ही टेस्टी बर्फी बन के तैयार होंगी है। बस जो इदा ही बन जाए इन्हों आप ट्रे च कढ लिया जी। तो चमचे ना कर लेना है सैट, इको जहा कर लेना है। तो उपर ये मैं थोड़े जी पा लिया जी पिस्ताशू। तुम अपनी पसंद के कोई भी ड्राई नट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हों भी फिर मैं थोड़ा जहा चमचे के नाल दब दिता ता कि खिलर दे ना फिरन। तो हुण इन्हों आपां ठंडी होने रख देना है जी एक दो घंटे लिए, जिन्ना चिर भी ठंडी होने लगे। जब ये ठंडी हो जाए तो इन्हों आपां किसी भी अपनी पसंद की शेप च इदा कट लेना है, जिदा दे टुकड़े तुहानूं चंगे लगदे आ छोटे वड्डे। बस जी फिर इन्हों तुसीं खाओ बना के, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंदी है जी। ये मैं सोचा कि कुछ नवा ट्राई करिए, बहुत ही वधिया बनी। तुसीं भी बनाओ, खाओ तो इंजॉय करो।